आज हम ट्रेसिंग से रिलेटेड, फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है डिजिटल माइक। बस डिफरेंस ये है, इसमें 1.8 वोल्ट आएगा, एनालॉग वाले बोर्ड में 2.8 वोल्ट आता है। ब्रेक हो जाए तो आप माइक के नीचे नहीं, आप इस टीपी में भी जम्पर लगा सकते हो। आप सभी का एक इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ट्रेसिंग से रिलेटेड, फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है डिजिटल माइक। तो डिजिटल माइक का कुछ ट्रेसिंग या फिर उसका सर्किट डायग्राम नहीं समझाएंगे हम आपको, बताते हैं कि डिजिटल माइक वाला फोन अगर आए और कस्टमर ये बोले कि हमारी आवाज नहीं जा रही है, सामने वाले पर्सन को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो उस दौरान हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को ढूंढेंगे और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, डिजिटल माइक को हम ब्रश से साफ करेंगे, फिर भी आवाज नहीं जाती हल्की हीट देंगे, फिर भी आवाज नहीं जाती तो हमें माइक को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल माइक को निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस लाइन में कंपोनेंट्स लगने के चांस बहुत कम होते हैं, मतलब कंपोनेंट बहुत कम लगे होते हैं। तो आइए देखते हैं। यह 5 पिन वाला डिजिटल माइक का एक पीसीबी ली हुई है। ये जो सर्कल आप देख रहे हो ये ग्राउंड है, बाकी आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये क्लॉक की लाइन है, सीएल के लाइन है, और ये वाली वोल्टेज की लाइन है, जिसे आप पुराने फोनों में बायस नाम से जानते हैं, एनालॉग माइक में बायस नाम से जानते हैं। बस डिफरेंस ये है, इसमें 1.8 वोल्ट आएगा, एनालॉग वाले बोर्ड में 2.8 वोल्ट आता है। उसमें अगर लगभग 2.2 आ रहा है तो हम ये समझते हैं कि वो माइक की लाइन में कम वोल्टेज आ रहा है, यानी माइक के लिए कम वोल्टेज आ रहा है, बट यहां पे 1.8 वोल्ट ही आएगा। इसके बाद ये आपकी डेटा लाइन है, ये क्या होती है, माइनस लाइन है, बट ये इसका कभी फॉल्ट आता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करेंगे। हमें सिर्फ 3 लाइनें देखनी है। तो सबसे पहला काम क्या स्टार्ट करना है, जीआर चेक करनी है। माइक आपने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, अब नया माइक नहीं बदलना कि आपने निकाल के दूसरा माइक लगा के चेक किया। अब 30-40-20-30 रुपए का माइक आता है, आप चेंज करोगे वो भी खराब हो गया, क्योंकि ये हीट उतना अच्छे से सहन नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम माइक बदलने का रिस्क नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जीआर चेक किया, क्लॉक पे जीआर आ जाएगी, माइक बायस पे जीआर आ जाएगी और डेटा पे जीआर आ जाएगी। तीनों में जीआर अगर आपको मिल रही है तो आपको सबसे पहले कॉलिंग करनी है। कॉल लगाने के बाद जब सामने से रिसीव हो जाएगी कॉल, उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीव होने के बाद एक प्रोब ग्राउंड में रख के 20 वोल्ट डीसी पर यहां पर वोल्टेज चेक कर लेना है, और अगर आपको 1.8 वोल्ट मिलता है तो इट मींस कि माइक की लाइनें पूरी तरह से सही है, जीआर भी मिल रही और वोल्टेज भी मिल रहा है। आप तुरंत नया माइक लाइए, उसी मॉडल को और लगा दीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो हम ये देखेंगे वोल्टेज कहां से आ रहा है, और उस लाइन में कोई पैरेलल कैपेसिटर या सीरीज कॉइल या एलवीआर जैसी चीजें तो नहीं लगी, लाइन ब्रेक तो नहीं है। अगर लाइन ब्रेक है तो लाइन कहां से ब्रेक हो सकती है, क्वाइल से, क्वाइल में जम्पर कीजिए, इंटरलाइन लाइन ब्रेक है तो उसमें जम्पर दीजिए, और अगर लाइन शॉर्ट है कैपेसिटर वगैरह से तो उसे हटाइए। अगर वोल्टेज 1.8 से भी कम आ रहा है तो लाइन लीकेज है, आप उस कैपेसिटर या आईसी से लीकेज है तो आईसी को आप चेंज कीजिए या रिबॉल करके लगाइए, अगर बॉल से कोई दिक्कत आ रही है तो। अगर वोल्टेज वाली लाइन चेक करने से पहले ही क्लॉक में जीआर नहीं आ रहा, ओएल आ रहा है, जीआर नहीं आ रहा, ओएल मींस की लाइन ब्रेक है, तो जब क्लॉक में जीआर नहीं आ रहा है तो इसकी लाइन सीधा क्या होती है, या तो बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे या डायरेक्ट आईसी से होती है। और स्टूडेंट सावधान रहिएगा कि क्लॉक का मतलब सिर्फ सीपीयू नहीं होता, माइक में क्लॉक की लाइन पावर आईसी से होती है। अब ये क्लॉक यानी डिजिटल माइक वाला सर्किट क्यों दिया है,
ऐसा इसलिए दिया है कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए, कि अगर आप कॉल करते हो तो जो सराउंडिंग की नॉइज होती है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इसलिए डिजिटल माइक यूज होते हैं। तो इसकी क्लॉक डेटा लाइन किससे होती है, पावर से। तो ये क्लॉक अगर लाइन ब्रेक है तो या तो इंटरनली ब्रेक होगी या फिर रजिस्टर से ब्रेक होगी, अगर रजिस्टर होगा तो, वो भी कौन से आईसी से, पावर से। डेटा का भी वही सीन है, पावर से ब्रेक होगी। तो ज्यादातर क्या खराब होता है, तो माइक खराब होता है, माइक बायस वाली लाइन लीकेज होती है, ब्रेक होती है या फिर शॉर्ट होती है। तो आइए हम तीनों लाइनें आपको दिखा देते हैं कि कहां से आई है और कैसे, कहां कहां से ब्रेक होती है और जम्पर हम कहां लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज वाली लाइन लेंगे, ये वोल्टेज वाली लाइन है ऑरेंज वाली, और ये देखिए लिखा भी हुआ है कि मेन माइक, दो माइक होते हैं ना फोन में, माइक लगे दो होते हैं लेकिन सर्किट तीन होते हैं। तो ये मेन माइक यानी जो कॉलिंग वाला है वो माइक है, उसमें माइक बायस 1.8 वोल्ट आता है। और किस आईसी से आए हैं, इस आईसी से आए हैं। कैसे पता, क्योंकि ये आरएफ क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल हमेशा पावर के पास लगा होता है। और किस बॉल से आए, इस बॉल से आए। अगर ये माइक बायस में देखिए कोई कंपोनेंट नहीं लगा, कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं लगा, अभी हमने आपको बताया कि कैपेसिटर और क्वायल एलवीआर लगे हो सकते हैं, बट इस मॉडल में नहीं लगा। तो सपोज दैट लाइन ब्रेक, शॉर्ट, लीक कुछ भी होती है तो प्रॉब्लम इस आईसी से, शॉर्ट और लीक में आपको ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर ब्रेक है तो आपको इस बॉल से उठा के जम्पर कहां तक लगाना पड़ेगा, पूरा माइक की पॉइंट्स तक, या फिर इंटरनल लाइन दिख रही है तो आप वहां पर भी जम्पर लगा सकते हो। तो इसके लिए हमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, आईसी में ड्रिल करके लगा सकते हैं, आईसी निकाल के जम्पर लगा सकते हैं। और ये आपको माइक्रो लेवल की रिपेयरिंग में बताया जाएगा, और माइक्रो लेवल की रिपेयरिंग हमारे यहाँ एमसैफ कोर्स में होती है जो लेवल 3 में आता है। तो जिनको सब कुछ आता है, सिर्फ आईसी की ड्रिलिंग, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड या फिर आपका सैंडविच बोर्ड, इन पे काम नहीं आता, तो उसके लिए आप हमारा सिर्फ 20 डेज वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लॉक वाली लाइन के लिए क्या है, क्लॉक के लिए एक टीपी भी दी हुई है, छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि अगर ब्रेक हो जाए तो आप माइक के नीचे नहीं, आप इस टीपी में भी जम्पर लगा सकते हो, टेस्ट पॉइंट बोलते हैं उसको। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, क्लॉक लाइन में ये कैपेसिटर लगा होता है, रजिस्टर लगा है, होता नहीं है इस मॉडल में है, वैसे रजिस्टर होने के चांस हर मॉडल में है, बट इस मॉडल में कैपेसिटर भी लगा है, यानी क्लॉक लाइन शॉर्ट होने के भी चांस है, लीकेज भी, ब्रेक भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैपेसिटर से शॉर्ट लीक होगी या फिर आईसी से होगी, ब्रेक होगी, ये जो पता चला रजिस्टर से कैपेसिटर से उठ के टीपी तक की ब्रेक हो गई हो तो हम जम्पर लगाएंगे, इंटरनल लाइन बोलते हैं उसको, या रजिस्टर से ब्रेक हो गई हो। अब रजिस्टर एलवीआर है कि एचवीआर है, अगर एलवीआर होता है तो बीप देता है रजिस्टर, एचवीआर होता है तो बीप नहीं देता, तो उसके लिए हमें रजिस्टर एलवीआर हो या एचवीआर हम चेंज ही करेंगे, ज्यादा बेटर है। इसके बाद हम डेटा लाइन देखेंगे, डेटा लाइन ये स्काई ब्लू है, इस बॉल से निकली हुई है। और स्टूडेंट्स देखिए डेटा लाइन में भी रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस फोन में हम डेटा, क्लॉक, वोल्टेज तो हम नहीं चेक कर सकते थे बिना माइक निकाले, लेकिन डेटा क्लॉक लाइन चेक कर सकते थे। और स्टूडेंट आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे ज्यादा वोल्टेज वाली लाइन ही प्रॉब्लम करती है, इसलिए हमें इस मॉडल में माइक को निकालना जरूरी हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप, हम माइक बनने के लिए आए तो क्या पहले चेक करें, क्या बाद में चेक करें, और कब आईसी पे काम करें, कौन सी आईसी पे काम करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।